हेलो, ये है देसी मार्टनी और एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं बिग बॉस की बड़ी बड़ी हाइलाइट्स। तो सलमान खान ने वीकेंड का वार में काफी क्लास लगाई है घर वालों की और काफी कुछ हुआ है धमाल। तो महिमा शुरू करें। तो रोहित, सबसे पहले तो ऑलरेडी सलमान खान गुस्से में थे पिछले वीकेंड के वार से, मतलब परसों के वीकेंड के वार से, और कल रात का एपिसोड उसी का एक आफ्टर इफेक्ट था। जैस्मिन को काफी अच्छे से फटकार पड़ी क्योंकि वो और निकी एक क्लिप में राखी सावंत को बेवजह तंग कर रहे थे, जा बर्तन घिस, वो ऑलरेडी बर्तन धो रही थी, वो कंटिन्यूसली उनको बोले जा रहे थे बर्तन घिस तेरी नाक गिर जाएगी, ये गिर जाएगा, वो बहुत गंदी गंदी बातें कह रहे थे। राखी ने भी ऑब्वियसली रिएक्ट किया, वहां रुबीना भी बैठ के देख रही थी और हंस रही थी। इस बात पे उन्हें भी सलमान से फटकार पड़ी कि रुबीना यू आर लुकिंग द वर्स्ट ऑफ द लॉट। विकास ने आके ट्राई किया राखी को अंदर ले जाने का, लेकिन निकी बोलती गई कि ये तो उसे उकसा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो सलमान ने सबको डांट लगाई, निकी से बोला आप बहुत बदतमीज हैं, और जैस्मिन से भी बोला कि आपकी पर्सनालिटी और शक्ल एकदम अलग दिख रही है अभी स्क्रीन पे। तो जैस्मिन ने बोला सर आई वाज प्रोवोक्ड। तो सलमान ने मतलब वापस ऐसा निशाना लगाया उन पे कि आप कोई प्रोवोक नहीं हुई थी, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था ये सब करने पे। इसके बाद आए अली पे, अब वो रोहित आपका। तो अली 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 को भी सलमान खान ने बोला कि भैया क्या था ये, क्या हो रहा था, क्योंकि उनका विकास के साथ काफी मसला चल रहा था। दरअसल ये मसला बिग बॉस के घर के अंदर का नहीं था, बिग बॉस के घर के बाहर का था, जो अली ने घर में छेड़ दिया था। तो सलमान खान ने जानना चाहा कि वही मसला था क्या, तो अली ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि विकास ने उनको एक शो से हटवाया भी था जब वो एक चैनल के हेड थे। इसके अलावा वो कई जो स्ट्रगल करने वाले कलाकार नए होते हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो इस तरह के कई आरोप लगाए। विकास ने कहा कि खुलकर बताओ, अली ने कहा कि मेरी भी एक गरिमा है, मैं उसे गरिमा तक बता सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा नेशनल टीवी पर, क्योंकि ये बाहर का मामला है। और यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया अली ने कि उन्होंने अली और जैस्मिन के बारे में भी बाहर जो है उनकी इमेज खराब करने की कोशिश पहले की थी। तो इस तरह के दोनों के मसले चले, काफी कुछ हुआ, यहाँ तक कि विकास काफी इमोशनल हो गए, रोने भी लगे। और उसके बाद उन्होंने सलमान खान से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बस 2 मिनट का टाइम चाहिए, वो रोते हुए वहां से चले भी गए थे। तो लेकिन अली का जो गुस्सा था वो पूरा बरकरार रहा, उन्होंने कहा कि नहीं इन्होंने गलत किया है तो किया है, और उनको अंदर यहाँ पे देखकर गुस्सा आ जाता है विकास को देखकर। लेकिन रोहित, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि विकास ने कहा अगर मैंने अली का काम रोका होता तो वो उस शो में नहीं नजर आते, लेकिन अली उस शो के एक पार्ट थे। तो अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, बट डेफिनेटली बाहर की चीजें अंदर नहीं लानी चाहिए थी। तो इसके बाद आते हैं घर के ऊपर। सलमान खान ने बोला कि उन्हें पता है इस घर की प्रॉब्लम क्या है, इस घर का राज क्या है, और अगर बीबी 14 के घर पे एक पिक्चर बनती तो उसका नाम होता हम लोग और वो लोग। हम लोग में आते हैं अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक, अली गोनी, जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्या, और वो लोग में आते हैं राहुल महाजन, अर्शी खान, राखी सावंत, सोनाली फोगाट और विकास गुप्ता और एजाज खान ऑफ कोर्स। बट निकी तंबोली नहीं आती किसी भी घर में, किसी भी हम लोग या वो लोग में, क्योंकि वो है थाली का बैंगन और उन्हें खुद ही को अभी तक नहीं पता है कि वो किस ग्रुप में रहना चाहती है। सलमान ने ये भी कहा कि अर्शी और निकी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो कितना यूज हो रहे हैं, और होपफुली इस वीकेंड के बाद एपिसोड के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल, और उनका जो यूज करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि सलमान का इशारा सीधा सीधा अली गोनी और राहुल वैद्या पे था। उन्होंने कहा कि एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी बना रहे हैं घर में वो अली गोनी है और उनके जो जमूरा हैं वो राहुल वैद्या हैं। तो रोहित, इसके बाद स्टेज शेयर करने आए दो बहुत ही ज्यादा खास मेहमान, सतीश कौशिक जी और पंकज त्रिपाठी जी, जो साथ में नजर आने वाले हैं कागज में। वो फिल्म डायरेक्ट भी सतीश कौशिक जी ने की है और प्रोड्यूस की है सलमान खान ने। तो वो जब स्टेज पे आए वो हाउसमेट्स के लिए लेके आए एक बहुत ही स्पेशल टास्क। सबको एक एक कागज दिया गया एक बोर्ड के साथ और उसपे लिखना था जो जो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलेंगे उसके हिसाब से एक किसी और कंटेस्टेंट को चूज करना था। जैसे रुबीना ने घमंडी बोला अर्शी को, तो अर्शी ने बहुत ही ज्यादा बदतमीज बोला रुबीना को।
राहुल महाजन ने बेवकूफ बोला विकास गुप्ता को, तो राहुल वैद्य ने डरपोक बोला राखी सावंत को। सबसे फनी तो तब था जब जैस्मिन ने बोला कि राखी सावंत सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट है, और मतलब सलमान खान ने वापस उन्हें वहीं पे टॉन्ट मार दिया कि सब उस पे चढ़ रहे हो, राखी सावंत को एकदम ऐसे गैंग अप कर रहे हो उसके अगेंस्ट और फिर उसी को इरिटेटिंग बोल रहे हो। इसके बाद आए घर में एक और खास मेहमान, और वो खास मेहमान थी सनी लियोनी। जी हाँ, तो सनी लियोनी सबसे पहले स्टेज पर आई सलमान खान के साथ, और सलमान खान ने भी आखिर उनके साथ फ्लर्ट कर ही लिया। तो सनी लियोनी को देखकर कौन फ्लर्ट नहीं करता भैया, वो तो खैर अलग बात है। तो सनी लियोनी जो है वो घर के अंदर गई और उन्होंने घर वालों का इलाज किया। दरअसल वो डॉक्टर बन के आई थी, तो घर में जो है सबसे पहले उन्होंने बुलाया एजाज को, और एजाज का उन्होंने जब आला लेकर जब उनके दिल की हार्ट बीट चेक करी तो उनमें से सिर्फ एक, उसमें से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, पवित्रा पवित्रा पवित्रा। और इसके बाद उन्होंने उनका ECG भी किया, और उनके ECG में अगर आपने देखा हो तो इतना बड़ा पर्चा था और उसमें हार्ट बीट जो ऊपर नीचे नीचे दिखा रखी थी उसमें सब में पवित्रा लिखा हुआ था। तो हालांकि एजाज ने भी वहां पे कबूल कर लिया कि भैया हाँ उनके दिल में पवित्रा है। और इसके बाद घर में कई कंटेस्टेंट आए थे, लेकिन जो खास रहे वो रहे अली गोनी और जैस्मिन भसीन। दरअसल जैस्मिन भसीन और अली गोनी के किस्से तो आपको पता ही हैं कि आखिर अब बस इंतजार कर रहे हैं कि कौन किसको प्रपोज कर दे और बस यहाँ पे शादी वादी का मंडप हो जाए और सब यही हो जाए यहाँ पे। लेकिन सनी ने वहाँ पे अली को एक बोला कि यहाँ पे दिल रखा हुआ है और वो लीजिए, और जैसे जैसे मैं कहते जाती हूँ वैसा वैसा करिए। तो उन्होंने कुल मिला के अली से जो है वो प्रपोज करवा दिया जैस्मिन भसीन को। और ये जो पूरा सिनेरियो था वो देखना काफी मजेदार था कि किस तरीके से अली घुटने पे आके जैस्मिन को प्रपोज करते हैं, और जैस्मिन फिर जवाब भी देती है। दरअसल सनी कहती है कि नहीं तुमको जवाब भी देना पड़ेगा, तो जैस्मिन जवाब देती है कि हाँ अगर मेरे मम्मी पापा मान गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हुआ कल रात के वीकेंड के वार के एपिसोड में, और आज रात कलर्स की पूरी फैमिली साथ में सेलिब्रेट करने आ रही है न्यू ईयर्स सारे हाउसमेट्स के साथ। और इसी के साथ हमें पता चलेगा कि आज रात को कौन होगा घर से बेघर। मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन राहुल महाजन आउट होने वाले हैं, बट कंफर्मेशन के लिए हमें एपिसोड देखना पड़ेगा, और अगर आपसे एपिसोड मिस हो जाए तो हम तो है ही हाइलाइट्स के साथ। तो मिलते हैं फिर कल यहीं पे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।